तुम्हारी ख्वाहिश थी ना कि वसीम के इलाके में उसके ठेकों को अपने नाम पर करो। वो दिन आ गया। ये कौन? अरे बच्चा, ये विजय का आदमी है। विजय सिंह का आदमी नहीं, विजय सिंह ही। आप शायद भूल गए कि आप वसीम खान से बात कर रहे हैं। वो वसीम खान जिसका वर्चस्व विजय सिंह से पहले भी था और उसके बाद भी होगा। अपने भावना पर काबू रखना सीखो, राजनीति के लिए बहुत जरूरी है। खिलाड़ी बदलते रहेंगे लेकिन वसीम खान अपने आप में एक खेल था और रहेगा। राजनीति की बहुत समझ हो गई है तुम्हें। बदले का एक ही तरीका होता है, बदला। गाजीपुर से पुजारी सिंह को हराने का गुदा सिर्फ आप में है और विजय सिंह ही है आपके साथ। सारे सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पुजारी सिंह को 30,000 वोटों से हरा दिया है। आपको आपकी सीट वापस दिलाना है। अब
विजय सिंह तय करेगा। वो विजय का आदमी कोला भरने बगदाद में फंस गया है। अब वो विजय सिंह कोले पर भी अपनी आंख लगा रहा है। ये ठेके मैंने तुम्हें इसलिए दिलवाए थे क्योंकि जो दहशत आज विजय पैदा कर रहा है वो कभी तुम पैदा किया करते थे। मुझे लगता है विजय का इलाज रणनीति से नहीं है, राजनीति से संभव है। आप राजनीति से उसका इलाज कीजिए और मैं रणनीति से बीमारी खत्म कर दूंगा। तू विजय को मारेगा मेरे लिए। संकी नाम है, कोयला मंडी में दलाली का काम करता हूँ। मैं वसीम का खास आदमी। कभी लड़की नहीं देखी? लेकिन कभी दारू की दुकान पर जैसी गलती हुई लड़की नहीं देखी। चिंता की कोई बात नहीं, काम हो जाएगा। विजय सिंह वादा करता है तुम दोनों से हमेशा कि जब तक विजय सिंह जिंदा है सीमा पे कभी कोई आंच नहीं आने देंगे। ऊपर जाके पूजा कीजिए। पूजा से मरा चलता है अस्पताल में। बेटा तू जमीन तो हम तो को नहीं दे। होता है नसीबा प्रजा सिंह को जमीन नहीं देने का। वो लड़की विजय के लिए काम करती है तो उस विजय सिंह को किला ला के खड़ा करो वसीम खान के सामने। बड़े बात पर कल नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए।